नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आंटी और सिलसिला बाजारों का मैं सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो जानेंगे सबसे पहले कि नॉन एग्री कमोडिटी का बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा खुलता नजर आ रहा है, सोने चांदी में कितनी देखने को मिले, तेल कितना फिसलता नजर आ रहा है और आगे इनकी कीमतें क्या रह सकती हैं, क्या उम्मीदें हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले सोने चांदी की। हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर $1796 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी लगभग 2.5% की तेजी के साथ $23.6 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी दोनों की ही कीमतों में एक शानदार बढ़त बनती नजर आ रही है, एक अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। दरअसल ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन, अब इसके जो केसेस हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको ऐसी उम्मीदें हैं कि सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो एक बार फिर से निकल के सामने आ सकती है। हालांकि कुछ देशों ने, साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट पाया गया है वहाँ की फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है कि आवाजाही बाधित की जाए, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो कंट्रोल में आ जाएं। थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, थोड़ी इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो लोग हैं वो मरने से बचेंगे और जो वायरस है, नया वेरिएंट है, ये भी फैलने से बचाया जा सकेगा। हालांकि खबरें ये भी निकल के सामने आई कि कनाडा के अंदर लगभग 2 केसेस नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसके देखने को मिल चुके हैं। तो अब ट्रेडर्स में और निवेशकों में एक उम्मीद जागी है कि ये जो नया वेरिएंट आ निकल के सामने आया कोरोना का, उसके चलते सोने चांदी की जो कीमतें हैं ऊपर आ सकती हैं। और हम आज देख भी रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में पहले के मुकाबले अब कुछ बढ़त बनती नजर आई है, $1800 के करीब है, हो सकता है कि इंट्राडे में $1800 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आए। बात करें यहां से कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि WTI $71 पर, ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर। आपको बता दें कि आखिरी कारोबारी दिन हमने ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI में 10% की और 13% की गिरावट बनती नजर आई, गिरावट बनती देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनती नजर आई थी। ये भी कोरोना के नए वेरिएंट के चलते देखने को मिला था, क्योंकि निवेशकों को डर था और जो सप्लायर्स हैं उनको डर था कि कहीं जो डिमांड है, जो सप्लाई, जो डिमांड है कच्चे तेल की, वो कम ना होती नजर आ जाए, जिसकी वजह से कच्चे तेल का बाजार टूटता नजर आया था। तो अब यहाँ से नया जो वेरिएंट आया है कोरोना का, इसके बाद से सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल के बाजार की चाल क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट हम से भी पर। रूपा जी, सबसे पहले आपसे सोना चांदी के ऊपर सवाल जानना चाहूँगा। हमने देखा है कि नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से खबरें ये निकल के सामने आ रही हैं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक रह सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर्स में एक नई उम्मीद जागी है कि सोना चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है एक बार फिर से निकल के सामने आ सकती है। और हम देख भी रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर सोना और चांदी आज हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। सोना एक बार फिर से $1800 के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोना यहां से अब तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ पाएगा, क्या सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड देखने को मिल पाएगी यहां से? देखिए, बिल्कुल सोने और चांदी के अंदर यहाँ से पॉजिटिवनेस बनती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से काफी देश जो है अब इसको लेकर, नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं और अभी इसका इम्पैक्ट आना बाकी है, क्योंकि देखिए अभी सोने में उस हिसाब से मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं दी है। अभी भी बाजार जो है वो $1800 के नीचे है, लेकिन उम्मीद यही है कि $1800 के ऊपर अब निकल सकते हैं। $1820 से $1840 की जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है ऊपर में। सेम एज इट इज चांदी के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और इसका असर पॉजिटिव आता हुआ सोने चांदी पर दिखाई दे सकता है जी। तो यानी कि जो नया वेरिएंट निकल के सामने आया है, इसका जो असर है सोने चांदी की कीमतों पर सकारात्मक देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। रूपा जी, अगर बात करें अगर फिजिकल गोल्ड की, तो क्या फिजिकल गोल्ड में भी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, आप अपना सवाल दोहराइए। रूपा जी, बात करें अगर फिजिकल गोल्ड की, तो क्या फिजिकल गोल्ड पर भी इसका असर देखने को मिलेगा?
देखिए बिल्कुल फिजिकल में भी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, जब वायदा में तेजी आएगी तो उसका भाव का असर बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट पर भी बनता हुआ दिखाई देता है। और हर बार ऐसा ही होता है, जब फिजिकल फ्यूचर में तेजी आती है तो फ्यूचर में भी उस फ्यूचर में जो तेजी आती है उसका फिजिकल के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई देता है। जी, तो यानी कि सोना चांदी में चाहे ट्रेडिंग करें या चाहे इसको फिजिकली खरीद के रखें, कीमतें तेज होना तय ही है, आगे जाके सोने चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल का बाजार भी देख रहे हैं आज कुछ खास तेजी के साथ ट्रेड करता नहीं नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि जो WTI $71 पर, ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर। रूपा जी, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन हमने WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल को 10-10, 13-13% गिरता हुआ देखा था। सप्लायर्स को ये चिंता है कि कहीं नए वेरिएंट के चक्कर में जो डिमांड है वो कहीं कम ना होती नजर आ जाए। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से पहले से ही फ्लाइट पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है और अगर आगे ये एक्सटेंड होता है तो क्या कच्चे तेल की कीमतों में मान लिया जाए कि गिरावट और भी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर सप्लाई डिमांड पे इम्पैक्ट आता है और जिस तरीके से ये कोरोना का नया वेरिएंट अगर हावी होता है तो डेफिनेटली कच्चा तेल लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। और हमने पीछे भी यही देखा था, जब कोरोना की लहर आई थी तो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई थी और कीमतें इनफैक्ट पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि कच्चा तेल माइनस में चला गया था जी। तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल के ऊपर नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। तो यानी कि सोना चांदी कीमतों पर पॉजिटिव और क्रूड ऑयल की कीमतों पर नेगेटिव इंपैक्ट नए कोरोना वेरिएंट का पड़ता नजर आ सकता है। रूपा जी, देख रहे हैं यहां से बेस मेटल्स का बाजार आज काफी तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहे हैं। निकल, जिंक, लेड, कॉपर, सारी बेस मेटल्स काफी शानदार तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। रूपा जी, आपको क्या लगता है नए वेरिएंट का असर बेस मेटल्स पर कितना देखने को मिलेगा? देखिए बेस मेटल्स के ऊपर इसका पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमतें जो है एक नया रिकॉर्ड छूती हुई दिखाई दे सकती हैं। और अभी जिस तरीके से इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है ये कंटिन्यूशन में रह सकती है और आप मान के चलिए कि यहाँ से कीमतों के अंदर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में रह सकता है, जैसा कि हम पीछे भी देखते आ रहे हैं कि बेस मेटल्स के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दी है और लगातार ही बाजार ऊपरी स्तरों पर कायम है, चाहे वो कॉपर हो या फिर निकल, दोनों ही कमोडिटीज और इसके साथ लेड और जिंक भी अब सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनमें वापस से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी कंटिन्यूशन में अपसाइड बना रह सकता है। कॉपर जो है वो 740 से 760 तक जा सकता है, निकल जो है वो एक बार 1600 तक ऊपर जा सकता है, 1600-1620 तक एक अपसाइड मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, बेस मेटल्स को लेकर आपसे सवाल रहेगा, अगर लॉकडाउन वाली परिस्थितियां लगती हैं तो क्या तब भी बेस मेटल्स में तेजी का ही रुख बना रहेगा? देखिए बिल्कुल बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, डाउनसाइड की अपसाइड मोमेंटम ही बना रह सकता जी। इसी रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आज आपकी तरफ से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन क्या इंट्राडे के लेवल्स रहेंगे? देखिए नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर इंट्राडे में भी पॉजिटिव रुझान बनता हुआ जो है वो छुटमुट दिखाई दे सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे हिसाब से नेचुरल गैस नीचे में 360 तक गिरती हुई नजर आ सकती है जी। रूपा जी, जानना चाहेंगे आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आज अभी सोने और चांदी के अंदर ही आप बाइंग में रह सकते हैं और इसके साथ बेस मेटल में निकल अच्छा लग रहा है मुझे, निकल और कॉपर इन दोनों में आप बाइंग करके चल सकते हैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लें तो भी उस हिसाब से इसमें अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे कृषि फसलों के बाजार के बारे में। कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ मार्केट MCV पर।